हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आपके लिए आज लेटेस्ट जॉब लेके आए हैं। वो लेटेस्ट जॉब क्या है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर डील करियर सर्च करना। हमने सर्च कर लिया, फर्स्ट लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। फिर आज हम बात कर रहे हैं एमपी की, MPPSC प्री SSE SFE। ओके, मध्य प्रदेश से है जॉब। इसकी इम्पॉर्टेंट डेट देखते हैं। नोटिफिकेशन तो दिसंबर में ही आ गया था, इसका आपको इन्फॉर्म हम लोगों ने कर दिया था कि नोटिफिकेशन आने वाला है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है 11 जनवरी से और 10 फरवरी तक रहेगा। और लास्ट डेट भी फीस की 10 फरवरी तक है और करेक्शन डेट भी 12 फरवरी तक है। एग्ज़ाम 11 अप्रैल में है और मार्च में एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जनरल और अदर स्टेट के लिए 500 रुपीज़ है। MP रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ है। एज लिमिट 21 से 40 ईयर है। बाकी डिटेल फ्रेंड्स आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हैं। बस हमें ये बताना है कि इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। फिर भी आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं कि क्या क्या है। टोटल वैकेंसी 346 पोस्ट हैं और दो पोस्ट हैं। एग्ज़ाम जो होंगे दो हैं, वो एक SSE है और एक SFS है, स्टेट सर्विसेज और स्टेट फॉरेस्ट। सबके लिए अलग अलग पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी जो इसमें मांगा है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बैचलर डिग्री इन सॉरी फ्रेंड्स बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग सर्विस। फॉर मोर डिटेल, साइंस या इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपके प्री एग्ज़ाम सेंटर्स से कुछ दिए गए हैं, इंदौर उज्जैन इस तरीके के कुछ दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सारे दिए हुए हैं और यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करके रजिस्ट्रेशन करिए, फिर लॉगिन करिए। पहले रजिस्ट्रेशन करके फिर इसको आपको लॉगिन करना, बाकी प्रोसेस आप लॉगिन के बाद कर सकते हैं। नोटिफिकेशन दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है, स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल पूरी नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ा कीजिए। और इसीलिए आपको यहाँ पर वीडियो में इस वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन भी अवेलेबल रहता है और ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक अवेलेबल रहती है। फिर भी कोई दिक्कत होती है, नोटिफिकेशन नहीं समझ में आ रहा, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, किस तरीके से क्या है, पूरी डिटेल देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर जरूर कीजिए कि आगे तक ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।